ने जयपुर के प्रगतिशील किसानों को हमने यहाँ अपने फार्म पर मिर्च देखने के लिए बुलाया है, तो मैं ये भगवान शाह जी हैं, इनसे जानना चाहूँगा कि हमारी वैरायटी आपको कैसी लग रही है, बताइए सर। सर वैरायटी तो बहुत अच्छी है आपकी। इस मिर्ची का क्या नाम है सर? तिरछा 873। सर बहुत गजब है, फलाव में भी मतलब बहुत तगड़ा दिखाई दे रहा है, अभी इतना टेम्परेचर में भी इतना फल आ रहा है इसमें, यानी आज का टेम्परेचर 40-45 के बीच में है। और इसमें एक तो पौधा मुरझाया हुआ नहीं है सर, इतना टेम्परेचर में बहुत मिर्ची लग रही है, और मिर्ची की वैरायटी बहुत अच्छी है। मैं हर किसान को यही चीज़ बोलूँगा भाई, मिर्ची तो यही बोना चाहिए अपना। तिरछा 873। तो ठीक है, भगवान चाहे जी आपको ये मिर्ची पसंद आई, मगर मैं मोटी मोटी बातें बताना चाहूँगा कि ये वैरायटी जो है लंबे दूरी तक ले जाने के लिए बहुत उपयुक्त है, और इसका फल गहरे रंग का लंबा होता है 15 से 16 सेंटीमीटर जी, और ये जैसा आप देख रहे हैं देखने में बहुत खूबसूरत है। अच्छा। 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर पर भी इसमें प्रोटीन आती है। हाँ, सर, और सबसे बड़ी बात है इसमें माताबंदी यानी वायरस की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। दूसरी, ये मिर्च जो है केवल राजस्थान के लिए नहीं, राजस्थान के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना स्टेट के लिए भी बहुत ही उपयुक्त पाई गई है। तो मैं तो आपसे भी गुजारिश करूंगा आप खुद भी लगाएं, और अपने किसानों को, अपने भाइयों को, अपने मिलने वालों को, सभी के लिए इस मिर्च को लगाने के लिए उत्साहित करें। अजय साहब, मैं तो हर जी ने मिलला ना जिन आए खुला किसान ने, भाई मिर्ची लगाओ तो प्याउन की लगाओ फिर सा, और